लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता ने महिला न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, सरकारी नौकरियों में 50% कोटा समेत कई गारंटियां शामिल हैं। पूरी खबर जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सबसे पहले युवाओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया था। इसके बाद नारी न्याय गारंटी का ऐलान भी अब पार्टी ने कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 5 योजनाओं का ऐलान किया। बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक गारंटी, शक्ति का सम्मान गारंटी, अधिकार मैत्री गारंटी, सावित्री बाई फूले हॉस्टल की गारंटी की बात कही गई है। इस खास मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। आपको बता दें कि गारंटी कार्ड पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी ये कुछ गारंटी योजना लोगों के बीच लाकर रख दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से ये जो तस्वीर साफ की गई है, इसका कितना फायदा पार्टी चुनाव में उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।